आप सभी को चंचल का नमस्ते। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के परांठे। ये चावल हमारे रात के बचे हुए हैं। इसमें हम मिलाएंगे आमचूर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च। नमक आप डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने चावलों में नमक पहले ही डाल रखा था इसलिए मैं इस टाइम नहीं डाल रही। धनिया कटा हुआ और थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई और 1 प्याज चॉप करी हुई। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अपने चावल के परांठे में भरने के लिए। आप देख सकते हैं कि हमारा सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मैश हो गया। अब हम अपने परांठे बनाना चालू करेंगे। अपनी गैस ऑन कर दी, तवा रख दिया है, हमने अपना आटा लगा के पहले से तैयार रखा था। अब हम लेंगे एक लोई जिसमें हम चावल को भरेंगे। हम इसमें हाथों के साथ ही साथ ऐसे गोल बनाते जाएंगे जिसमें हम अपने चावल की फिलिंग इसके अंदर भरेंगे। अब चावल को अच्छी तरह से इसमें भर लीजिए, इसे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। धीरे धीरे करके हाथ से दबाते हुए से आप बंद करते जाइए। और एक्स्ट्रा बचा हुआ आटा आप यूं करके निकाल के अब अपना पेड़ा अच्छी तरह से बना लीजिए। हमने अपना परांठा बेल लिया है, अब हम इसे तवे पे हल्का सा घी तेल लगाएंगे और अपने परांठे को इसमें डाल देंगे और सिकने देंगे। जब तक हमारा दूसरा पहला परांठा सिक रहा है, जब तक हम अपने दूसरे परांठे के लिए भी लोई को लेके उसे भर लेंगे। हमारा परांठा एक तरफ से थोड़ा सा सिक गया, अब इसमें हम लगाएंगे अपना तेल और उसे धीमी गैस पे सेकेंगे। अब हम अपने दूसरी साइड भी तेल लगा रहे हैं परांठे की और उसे धीरे धीरे करके सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे परांठे का कलर कितना अच्छा आ रहा है और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। आप अचार के साथ और चाय के साथ या चटनी के साथ किस चीज़ के साथ भी खाना चाहिए आप इसे खा सकते हैं। आप चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में सुबह नाश्ते में भी इसे दे सकते हैं लंच के लिए। हमने अपना दूसरा परांठा भी धीरे धीरे करके सेक लिया है। इसी तरीके से हमारे सारे परांठे बन के तैयार हैं। आप भी एक बार ये परांठे बना के आप भी एक बार इस तरीके से परांठे बना के जरूर देखें, आपको खाने में टेस्टी लगेंगे परांठे। हमारे चावल के परांठे बन तैयार हैं। हमने इन्हें हरी चटनी के साथ में रखा है। अगर आपको मेरे चावल का परांठे बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।